अफगान रोबोटिक्स टीम की लड़कियां एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद इंसान की जिंदगी बचाना है। जंग से लहूलुहान देश में इन लड़कियों ने ऐसा रोबोट बनाया है जो लैंडमाइंस और नहीं फटे गोला बारूद की खोज कर सकता है। ये रोबोट रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित होता है, हालांकि इनके पास ना तो इतनी सुविधाएं हैं और ना ही धन। डीमाइनिंग रोबोट और वेंटिलेटर रोबोट समाज की जरूरतों को पूरी करने के लिए हैं। हम सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद चाहते हैं ताकि इन्हें बड़ी संख्या में बना सके और हमारे समाज की कुछ समस्याओं को हल कर सके। अफगान रोबोटिक्स टीम की लड़कियों ने कोरोना महामारी की शुरुआत में वेंटिलेटर बनाए और अब वो अपने डी माइनिंग रोबोट को परखने की स्थिति में आ गई हैं। दो उपकरण एक साथ एक समय में काम करते हैं, एक ड्रोन है और दूसरा माइन डिटेक्टर या फिर माइन स्वीपर। ड्रोन पहले उड़ान भरता है और जिन जगहों पर लैंडमाइन होने के संदेह होते हैं उनकी पहचान करके वो आंकड़ों को दर्ज कर लेता है। अगर ये रोबोट सफल हुआ तो इसे जंग में बचे लैंडमाइनों और जीवित गोला बारूद को हटाने के काम पर लगाया जाएगा। लैंडमाइनों के धमाके से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। कई घरेलू और विदेशी गैर सरकारी संगठन इस देश को लैंडमाइन से मुक्त कराने के लिए काम कर रहे हैं। सुविधाएं कम हैं और ऐसे में अफगान लड़कियों का रोबोट बहुत मददगार साबित हो सकता है। ये अच्छी खबर है। इस रोबोट प्रोग्राम को डीमाइनिंग संगठनों में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि रोबोट का परीक्षण असल जगह पर होना चाहिए। अगर नतीजे अच्छे हैं तो इससे बहुत मदद मिलेगी। हम बाहरी देशों से भारी कीमत पर डिटेक्टर खरीदते हैं। अगर हम इसे घर में ही बना सके तो ये बहुत अच्छा होगा। डी माइनिंग बहुत ही खतरनाक काम है, खास तौर पर ऐसे देश में जहां अब भी जंग चल रही है और नहीं फटे गोले हर तरफ बिखरे पड़े हैं। बीते साल नवंबर में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि केवल 2019 में ही 1538 से ज्यादा अफगान लोग लैंडमाइन की चपेट में आकर मारे गए और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए। दुर्भाग्य से जिस जगह माइन था वहीं हम फुटबॉल खेल रहे थे। माइन में धमाका हुआ और मेरा दाहिना पैर काटना पड़ा। रोबोटिक्स टीम की बहनों को मेरा सुझाव है कि वो डीमाइनिंग प्रोग्राम को जितनी जल्दी हो सके पूरा करें और उसे डीमाइनिंग करने वाली संस्थाओं को मुहैया कराएं। जिन देशों में माइन और विस्फोटकों की समस्या है उनमें अफगानिस्तान सबसे ज्यादा बुरे हाल में है। बिना फटे हुए गोला बारूद और माइनों को खोजना और उन्हें सावधानी से खत्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक खतरनाक काम है इसलिए दुर्भाग्य से कुछ गलतियां हो जाती हैं। गलतियों की वजह से हमारे साथी माइनों के शिकार बनते हैं। देश में पश्चिम के चार प्रांतों में 121 डीमाइनिंग वर्कर हाल के वर्षों में शिकार बने। 30 की मौत हो गई और 91 घायल हुए। ये लड़कियां अफगानों के अंधे शत्रुओं से अपने इलाके को साफ करने के साथ ही रोबोट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि डीमाइनिंग प्रोग्राम में इंसानों के नुकसान को रोका जा सके।